रत्नाकर साहब, आपने कहा कि ये जो समीकरण है वो बता रहे हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं 60 और 70 से आगे चल रही है प्रतिशत है। आप ये आपका पर्सनल व्यू ये कहता है, लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर अगर 100 का एक, जी बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए जी, आपने कोई प्रश्न किया रत्नाकर जी? मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कहना ये है, जी मेरा कहना ये है कि यहाँ का एक बड़ा फैक्टर योगी आदित्यनाथ को एक बार पुनः मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ तमाम जो मुद्दे होते हैं वो गौर होते हैं। भगवा का रंग पहले से हावी था और मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा का सीट चुनाव लड़ने के नाते इस क्षेत्र में लोगों ने एक मन बनाया कि एक बार फिर यहीं से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हो, जो एक गौरव की बात होगी। लेकिन इसके साथ में जातीय फैक्टर है। अभी आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया था, तीन बार वो पटना से जीते और इस बार वो फाजिलनगर से गए हैं। दो दिन पहले अभी उनके कायरा पर एक अटैक होता है एक गांव में, हो सकता है कि यह अटैक, भाजपा का कहना है कि यह अटैक स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका वो लाभ लेने का प्रयास स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे। इसी तरीके से और जगहों पर भी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो निश्चित थोड़ा बहुत तो दबाव बनाएंगे, और इसलिए कहीं भी कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो एकदम क्लीन स्वीप किसी का भी होता टिक नहीं रहा है। बिल्कुल रत्नाकर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं। इसके अलावा रितेश जी भी हमारे साथ बने। रितेश जी, फैक्टर का जिक्र भी रत्नाकर साहब ने किया। बिल्कुल रत्नाकर जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं एक मिनट के लिए रोकूंगी। रितेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शायद कोई टेक्निकल समस्या हो गई, इसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रत्नाकर जी, रितेश जी का मैं रुक करूंगी। रितेश जी, अगर हम समझे ये फैक्टर जो अभी बता रहे थे रत्नाकर साहब कि योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के कवायद जो है पूर्वांचल के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि वो ठाकुर समाज से आते हैं, तो ऐसे में ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो रहा है पूर्वांचल में और ब्राह्मण दब रहे हैं। और अगर पूर्वांचल को देखें तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा है, आप तो खुद ही ब्राह्मण है। देखिए बिल्कुल एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके पहले से पूर्वांचल के खासकर गोरखपुर बस्ती मंडल में 41 विधानसभा सीटें हैं। पूर्वांचल की इन सीटों पे सांसद के रूप में भी उनका काफी प्रभाव रहा है। अब जबकि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा किए गए काम लोगों को दिख रहे हैं। गोरखपुर में तो खासकर उनकी सीट पे तो जनता यही सोच के उनका चुनाव करने जा रही है। मैं खुल के अगर ये बात कहूँ, थोड़ा सा बायस्ड भी आप कह सकती हैं, पत्रकार नहीं, जनता के ओपिनियन को देखते हुए तो उनका चुनाव एज ए विधायक नहीं हो रहा, उनका चुनाव एज ए मुख्यमंत्री हो रहा। और चूंकि मुख्यमंत्री होने के चलते आसपास की सीटों पे भी जो उनके प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो भी यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा तो हम अपने क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करा सकेंगे। तो ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की खासकर गोरखपुर बस्ती मंडल की जो सीटें हैं उस पे तो ये सीधा प्रभाव पड़ रहा है कि हम अपने क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही जैसे जातिवाद वाली, ठाकुरवाद या ब्राह्मणवाद, रत्नाकर भैया मेरे बड़े भाई हैं और मैं जैसे वो ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं। गोरखपुर में ऐसा न राजनीति में होता है न जनता के बीच होता है, ये सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, कयासबाजी की जाती है। मैं पर्टिकुलर 2002 से गोरखनाथ मंदिर बीट या गोरखपुर में मुख्यमंत्री को या उसके पहले उनके सांसद के रूप में कवर करता हूं। रत्नाकर भैया भी हमसे बहुत लंबे समय से उनको कवर करते हैं, शायद इनके पत्रकारिता जीवन में योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में अभी आगमन भी ना हुआ हो, इतने पुराने पत्रकार हैं। लेकिन गोरखपुर की राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुर की बातें तो जरूर होती हैं, लेकिन कभी आपको परिणाम के दौरान ये चीजें एक तरफा नहीं दिखेंगी। कहीं ना कहीं पार्टी को पसंद करके ही, जो भी ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, प्रत्याशी के अलावा वो पार्टी की विचारधारा को भी जरूर तवज्जो देता है और उसके बाद ही वो निर्णय लेता है कि हमें किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। बिल्कुल रितेश जी, एक और सवाल ये है कि सुभावती शुक्ला सपा ने मैदान में उतारा है योगी आदित्यनाथ के सामने, ठहर पाएंगी या क्लीन स्वीप हो जाएगा?
देखिए एक सहानुभूति लेने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरा मानना है कि सहानुभूति वही कारगर होती है जब लड़ने वाला प्रत्याशी मजबूत होता है, और सहानुभूति अगर तात्कालिक परिस्थितियों में होता है तभी वो फलीभूत भी होता है। क्योंकि उपेंद्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, पार्टी ने उनको उपचुनाव में शहर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी बनाया था। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो भाजपा की सबसे सेफ सीट मानी जाती है वहां से वो उपचुनाव हार गए।